अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि जो पिछली वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी प्रीपोजिशन के मुतलक, वो इंट्रो टू प्रीपोजिशन के मुतलक, वो आप लोगों ने देखी होगी, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसलिए उसी का ही यूँ समझो दूसरा लेक्चर है, इसका पार्ट वन इसका नाम मैंने रखा है। इंशाल्लाह अगला पार्ट भी रखेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। ये प्रीपोजिशन के मुतलक है। प्रीपोजिशन तो आप लोगों को पता है हर इम्तिहान में लाजमी आती आती है, तो आज हम इसके प्रीपोजिशन के 5 MCQs करेंगे। वीडियो लास्ट तक आप लोगों ने देखनी है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है ना, वो आप लोगों को कुछ 10 इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा हैं वैसे, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में 10 आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन दिखाऊंगा, बाकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हाँ, ये बात भी बता दूं कि जो IBA वाले हैं उन्होंने डेट चेंज कर दी है। पहले थी 30 नवंबर लास्ट डेट थी, जैसा कि कैंडिडेट्स जो है ना उनका तादाद बहुत बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने जो है ना 30 नवंबर के बजाय उन्होंने 7 दिसंबर एक हफ़्ता और मोहलत दे दी। अगर जिसने भी ये फॉर्म नहीं फिल किया तो वो फिल करके ताकि वो चालान वगैरह पिला सके, दे सके। सो लास्ट डेट अभी जो हो गई है इनकी 7 दिसंबर हो गई है। तब तक आप लोग जो भी रह गए हैं पीछे, उनके लिए जो है ना अच्छा हो गया, वो फॉर्म भरवा सकते हैं, चालान दे सकते हैं। अभी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्रीपोजिशन MCQs मैंने आज 5 MCQs लिए हैं, सिंपल हैं। इसी तरीके के इम्तिहानों में जो MCQs आते हैं, तो नंबर 1 जो MCQs है वो है हार्ड वर्क इज़ अ की डैश सक्सेस। आप लोगों को ये पता होना चाहिए की के साथ हमेशा जो लेटर आता है ना वो 2 आता है। सो यहाँ लिखेंगे हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। ये अभी सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। अभी दूसरे नंबर सेंटेंस में आते हैं, द फॉक्स जम्प्ड डैश द रिवर। ये तो बिल्कुल इजी है, इन टू द रिवर, द फॉक्स जम्प्ड इन टू द रिवर। ये भी करेक्ट हो गया सेंटेंस, ये दोनों करेक्ट हो गए। अभी तीसरे नंबर पे सेंटेंस में, ये MCQ में कह रहा है कि ही इज़ स्टेयरिंग डैश मी। बिल्कुल ईजी है, ही इज़ स्टेयरिंग एट मी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो MCQ है, आई कैन नॉट पार्ट डैश माई बुक, आई कैन नॉट पार्ट विथ, पार्ट के साथ हमेशा विथ आता है, ये करेक्ट हो गया। अभी पांचवा नंबर हमारा जो लास्ट MCQ है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं ले आऊँगा और भी MCQs, आप लोगों की अच्छी तैयारी करूँगा। पांचवा नंबर MCQ है, फेक स्माइल्स स्माइल्स अपान हिम। ये अभी करेक्ट हो गया सेंटेंस, स्माइल्स के साथ अपान, हिम के साथ भी अपान इस्तेमाल किया जाता है पहले, सो फेक स्माइल्स अपान हिम। अभी जो मैं आप लोगों को कह रहा था लास्ट में, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन थे वो आप लोगों को प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट दिखाऊंगा, इस तरह की आप लोगों ने भी लाजमी तैयारी करनी है। पहला नंबर है अवेयर ऑफ, इनको मैं कहता हूँ यार जितना हो सके इनको रट्टा लगा लो यार, बड़ी काम की चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ अगर आपको याद होना, फिर इस तरह के कुछ और भी सेंटेंस ले आऊँगा अगर आप लोगों ने पसंद की वीडियो, तब ये आप लोगों ने रट्टा लगाओ यार, रट्टा लगाओ, ये ऐसी काम की चीज़ है ज़बरदस्ती। नंबर पहला है अवेयर ऑफ, नंबर 2 है बिगिन फ्राम, बिगिन के साथ हमेशा फ्राम आता है, अवेयर के साथ ऑफ। तीसरा नंबर इन्फॉर्म ऑफ, चौथा नंबर फेमस फॉर, पाँचवा नंबर सीनियर टू, छठा नंबर नोट्रियस फॉर, सातवां नंबर डियर टू, आठवां नंबर बिलीव इन, नौवां नंबर अपाइड बाय, दसवां नंबर लाफ एट। तो इस तरह आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जिस तरह की के साथ टू आया था, जम्प्ड इन टू, ये थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं बेशक, रिवर के साथ हमेशा इन टू आता है, स्टेयरिंग एट, स्टेयरिंग के साथ एट ही आता है। तो इस हिसाब से ये वाले जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह और भी अगली वीडियो में ले आऊँगा। खुदा हाफिज़, बाकी अगली वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, ये शेयर करो ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जिन स्टूडेंट को, उनको भी पता चल सके, वो भी ताकि टेस्ट से आसानी से टेस्ट निकाल दें, उनकी भी ताकि अच्छी तैयारी हो। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आगे भी लोगों को पता चले।
बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।